इन अगले 15 दिनों में आप इतनी मेहनत, इतनी पढ़ाई कर जाओगे, इतनी पढ़ाई कर जाओगे जो कि शायद तुमने पिछले 3-4 महीनों में या फिर इस पूरे साल में नहीं की होगी, कि ये कर ले, हो जाएगा तेरा 95%। मेहनत करो बच्चे के साथ में, तो माने ना। मुझे पता है कि तुम्हारे ऊपर चेक रखने वालों कोई रहता नहीं है, मैं रखूंगा यहाँ से, यहाँ पर बैठ कर मैं तुम पर चेक रखूंगा। हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक, दिस इज योर अथर भैया, और उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों की पढ़ाई बिल्कुल मस्त चल रही होगी, सब बढ़िया चल रहा होगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं आप सभी लोगों से करना चाहता हूँ कि अगर आप ये वीडियो आराम से अपने कंफर्ट जोन में, बेड पर लेटे लेटे, सोफे पर लेटे लेटे, मस्ती मजाक में, मजे में देख रहे हो, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी जान आप थोड़ा सा अटेंटिव मोड में आ जाओ, थोड़ा सा अटेंशन इस वीडियो को दो, थोड़े से अपने फोकस मोड में आ जाओ, क्योंकि आज हम जो बात करने वाले हैं वो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। इन अगले 15 दिनों में आप इतनी मेहनत, इतनी पढ़ाई कर जाओगे, गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, इतनी पढ़ाई कर जाओगे जो कि शायद तुमने पिछले 3-4 महीनों में या फिर इस पूरे साल में नहीं की होगी। भैया क्या आप हमको मोटिवेट करने वाले हो? यस, मोटिवेशन वीडियो नहीं, मैं एक बार वो वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तुम उसको बार बार जाकर देख सकते हो जब भी तुमको मोटिवेशन की कमी फील हो। ठीक है, बार बार मोटिवेशनल वीडियो डालना मेरा काम नहीं है, ठीक है, वो और लोगों के काम है, वो करते रहते अपने चैनल्स के ऊपर। यहाँ पर हम सिर्फ वो बातें करते हैं जो काम की हो और इम्पोर्टेंट हो। और आज इस वीडियो के एग्जैक्ट एंड में पहुँचते पहुँचते आप लिटरली इतने ज़्यादा जोश के साथ में भरे होंगे ना कि आपको लगेगा कि भाई साहब इन 15 दिनों में तो मेरे को कहाँ से कहाँ पहुँच जाना है। ठीक है, वीडियो को आखिर तक देखना, एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। इसी के साथ साथ अगर कोई बच्चा नया है चैनल के ऊपर, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मैं एक सिंपल से कॉन्सेप्ट को फॉलो करता हूँ जो कि है यूथ फॉर यूथ। मुझे ऐसा लगता है कि जितनी जरूरत एजुकेशन यूथ को एजुकेशन की है, उससे ज्यादा जरूरत एजुकेशन को यूथ की है। मेरे छोटे भाई बहनों के लिए कुछ ऐसा करके जाना है जो कि शायद हमको नहीं मिल पाया, राइट, और कुछ ऐसा क्रिएट करना है कि भाई इस देश के लिए कुछ अच्छा हम कर पाए। दैट बीइंग सेड, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा है क्या भैया, मतलब आप ऐसा हमको क्या बताने वाले हो इससे कि अगले 15 दिनों में हम बिल्कुल 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 पढ़ाई करने लग जाएंगे? देखो सिंपल सी बातें बताता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं रहने वाला है। सी, अभी तक इन पिछले 3-4 महीनों में आपने जो प्रिपरेशन की है ना, वो बहुत ही धीरे धीरे की थी। हाँ, चल रहा है, एक हफ्ते में 2 चैप्टर कंप्लीट हो रहे हैं, धीरे 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 धीरे। लेकिन इन अगले 15 दिनों में आप एक ऐसी दौड़ लगाने वाले हो, आप एक ऐसी स्प्रिंट लगाने वाले हो कि अगर आप अपनी प्रिपरेशन में आज यहां हो तो कल यहां पहुंच जाओगे, मतलब 15 दिन बाद में यहां पर पहुंच जाओगे। इन 15 दिनों में हमको कुछ ऐसा करना है, ऐसी मेहनत करनी है, ऐसी पढ़ाई करनी है कि भाई साहब आज अगर हम यहां पर हैं तो 15 दिनों बाद यहां पर होंगे और हम बाकी सबसे बहुत आगे निकल चुके होंगे। ऐसा क्या करने वाले हम भैया इन 15 दिनों में? अब अज्यूम करो कि भाई आज है 12, मैं तुमको बोल रहा हूं ना, बहुत छोटा वीडियो है ना, बहुत सिंपल वीडियो है पर बहुत इंपैक्टफुल वीडियो है। अज्यूम करो कि भाई 27 नवंबर को तुम लोगों का एग्जाम है, ठीक है, अज्यूम करो। अगर कुछ अभी बोर्ड भूल जाओ, प्री बोर्ड भूल जाओ, सब भूल जाओ, है ना, सब भूल जाओ। मान लो कि 27 नवंबर को तुम्हारा एग्जाम है, तुम्हारा पेपर चालू होने वाला है, आज है 11 नवंबर। अब तुम मुझे बताओ कि तुम कैसी पढ़ाई करोगे? थोड़ी जल्दी जल्दी पढ़ाई करोगे, राइट, थोड़ी जल्दी जल्दी अपने चैप्टर्स कंप्लीट करोगे, ट्राई करोगे कि जल्दी जल्दी चैप्टर्स कंप्लीट हो जाए, सिलेबस कवर अप हो जाए। एग्जैक्टली, ठीक है, हमको ये अज्यूम करना है कि आज से एग्जैक्टली जब भी तुम चालू कर रहे हो, फर्क नहीं पड़ता 15 को चालू कर रहे हो 15 से, 20 को चालू कर रहे हो 20 से, आज से एग्जैक्टली 15 दिनों बाद में हमारी कुछ एग्जाम होने वाली है। अगर तुम्हारी सच्ची में एग्जाम है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं है तो हम एक डेमो एग्जाम क्रिएट करेंगे अपने लिए, खुद के लिए, जो कि सिर्फ हमारे लिए एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अब मान लो कि इस डेमो एग्जाम के अंदर हमारे कुछ 7 चैप्टर्स आ रहे हैं। कितने चैप्टर्स आ रहे हैं? 7 चैप्टर्स आ रहे हैं। हमें इन अगले 15 दिनों में 7 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, खत्म बात। अब भैया ये कैसी बात हो, 7-15 दिनों में 7 चैप्टर कैसे करेंगे? बताता हूँ, देखो मैंने तुम्हारे लिए एक लिस्ट बनाई और तुम एग्जैक्टली सेम लिस्ट, सेम चीज कॉपी करके अपने लिए बनाओगे। वीडियो को पॉज कर लो या फिर थोड़ा सा बाद में वीडियो को देखने के बाद में वापस आकर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी भी तुमको लग रहा होगा भैया ऐसा क्या है इसमें, ये तो शायद हमको भी पता था, अभी तुमको पता चलेगा, रुको पता चलेगा। तो ऐसी एक लिस्ट बनाओ जहाँ पर तुम अपनी स्टार्टिंग डेट लिखोगे कि आज है 12 तारीख, है ना, अज्यूम करते हैं, वैसे तो 11 है पर आज है 12 तारीख, ठीक है, आज से शुरू कर रहा हूँ, ये 7 चैप्टर मेरे एग्जाम में आने वाले हैं, 28 तारीख को मान लो मेरा पेपर चालू हो रहा है, अब मुझे इन 7 चैप्टर को कंप्लीट करना है। और ऐसा नहीं कि बस एग्जाम आ रही है इसके लिए कंप्लीट करना है, मुझे मेक श्योर करना है कि मैं चैप्टर को सही तरीके से पढ़ रहा हूँ। तो मेरे पास में ये चेक बॉक्सेस हैं कि यार नेशनलिज्म इन इंडिया का लेक्चर देख लिया, हाँ देख लिया, फिर एनसीईआरटी रीडिंग कर ली, फिर उसके क्वेश्चंस लगा लिए और फिर उसका क्वेश्चन बैंक कर ली,
ठीक है, तब जाके आपका एक चैप्टर कंप्लीट माना जाएगा, ठीक है। और ऐसा हमको इन 7 चैप्टर्स के लिए करना है, राइट, वेरी गुड। डे 1 को है ना, पहली चीज एक और मैं क्लियर कर दूं कि यार यहां पर जो चैप्टर के नाम है ना वो मैंने मेरे अकॉर्डिंग लिखे हैं, ठीक है। अब तुम यहां पर नेशनलिज्म इन इंडिया की जगह पर नेशनलिज्म इन यूरोप भी लिख सकते हो, है ना, तुम्हारी चॉइस है, तुम्हारा कौन सा चैप्टर नहीं हुआ है वो तुमको वहां पर लिखना है। तो जैसे कि आज डे 1 है, मान लो मेरे 15 दिन की स्प्रिंट का डे 1 है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, आज मैंने नेशनलिज्म इन इंडिया के मैंने क्या किया, मैंने लेक्चर देखा और साथ ही साथ मैंने इसकी एनसीईआरटी रीडिंग भी कर ली, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मेरे ये 2 टिक तो हो गए। फिर मैं अगले दिन आया, डे टू पर आया और मैंने इसके क्वेश्चन कर लिए और मैंने इसकी क्वेश्चन बैंक लगा ली, मतलब इन शॉर्ट। अब आपकी जो क्वेश्चन बैंक होती है ना, उस क्वेश्चन बैंक के अंदर ही आपके PYQs भी होते हैं। अगर आपको PYQs अलग से चाहिए, पढ़ले की ऐप पर हम लोगों ने सारे PYQs फ्री में अपलोड कर रखे हैं, एक से बढ़कर एक PYQs हैं, तुमको मजा आ जाएगा वो सॉल्व करके। सारे अवेलेबल है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कर सकते हो, तुम्हारी चॉइस, ठीक है। पर अब हैं अवेलेबल तो यूज कर लिया करो चीज़ों को, राइट। तो 2 दिन में ये मेरा हो गया। फिर मैं आया ह्यूमन आई पे, मान लो डे 3 पर। अभी देखते जाओ बस कि यार आज ह्यूमन आई करते हैं। ह्यूमन आई छोटा चैप्टर है, तो मान लो कि तुमको तुम्हारा 1 दिन में हो गया, ठीक है। फिर मान लो कि यहां तक हो गया, ये नहीं हुआ, ठीक है। फिर अगले दिन मान लो तुमने पावर शेयरिंग किया, पावर शेयरिंग छोटा चैप्टर है, 1 दिन में हो गया। अच्छा, 14th या 15th डे पर जब तुम पहुंचोगे, तब मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों के शायद सारे यहां पर टिक मार्क नहीं हुए होंगे। लेकिन अब तुम अज्यूम करो कि अगर तुम ऐसा नहीं करते, अगर तुम ये स्प्रिंट नहीं लगाते, अगर तुम तेजी से नहीं भागते, तो शायद अगले 15 दिनों में तुम 3 चैप्टर भी ढंग से कंप्लीट नहीं कर पाते। अगर मान लो तुम जो नहीं कर पाए, तो भी तुम इस स्प्रिंट के कारण एटलीस्ट 5 चैप्टर कंप्लीट कर पाओगे, जो तुम शायद इन जनरल नॉर्मली नहीं कर पाते। अब भैया ये तो चलो ठीक है, हम लोग कर लेंगे, पर क्या है ना कि डेली बेसिस पर वो मोटिवेशन रहता नहीं है, क्योंकि हमारी दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि हमारे ऊपर कोई चेक रखने वाला नहीं होता, राइट। हम बस सोच रहे थे कि ये करेंगे, लेकिन कोई चेक रखने वाला नहीं है कि हाँ ये हुआ है या फिर नहीं हुआ है, इस कारण से हम जनरली मक्कारी करते हैं, राइट। अब मैंने शुरुआत में तुमको ये चीज ही बोली थी कि ये चीज फॉलो करने में मैं तुम्हारी रोज डेली बेसिस पर हेल्प करूंगा और तुम्हारे साथ मेहनत करूंगा। जैसे तुम डेली बेसिस पर अपने गोल रखने वाले हो कि डे 1 पर ये, डे 2 पर ये, डे 3 पर ये, वैसे ही मैं खुद एक 15 डेज चैलेंज लूंगा। वो 15 डेज चैलेंज क्या होगा, तुम क्या करने वाले हो, तुम 15 दिन तक क्या करोगे, तुम अपना सिलेबस कंप्लीट करोगे, राइट। तुम 15 डेज तक अपना सिलेबस करोगे, डे 1, फिर डे 2, फिर डे 3, फिर डे 4। उसी तरीके से तुम्हारे साथ साथ मेहनत करूंगा, लेकिन थोड़ी अलग मैनर में। देखो मैं क्या करूंगा कि अगले 15 दिन तक, ये एक बुक है, ये बुक मुझे काफी समय से पढ़नी थी, कोई भी प्रमोशन नहीं है, कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है, काफी समय से मैं ये बुक पढ़ना चाहता था, लेकिन मुझे एक्यूरेट समय नहीं मिल पा रहा था ये बुक रीड करने का, ठीक है। अगले 15 दिन मैं तुम्हारे साथ साथ रोज ये बुक रीड करूंगा, ठीक है। इस बुक में कुछ मेरे हिसाब से कितने पेजेस हैं, देख लेते एक बार हम लोग। इस बुक में अराउंड 300 पेजेस हैं, ठीक है। अगले 15 दिनों में मैं ये 300 पेजेस वाली बुक को फिनिश करूंगा तुम्हारे साथ साथ। जब तुम रोज अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे होंगे, तब मैं इस बुक के पन्ने पढ़ रहा होगा, ठीक है। तो भैया इससे हमको मोटिवेशन कैसे आएगा, रोज शाम को मैं इंस्टाग्राम के ऊपर एक स्टोरी डालूंगा, स्टोरी अपलोड करूंगा कि भाई आज ना मैंने इस बुक के 15 पेजेस पढ़ लिए हैं, और मैं ये भी मेंशन करूंगा वहां पर कि मैंने उससे क्या सीखा। अब सही है, अब ठीक है, क्योंकि जब मैं इंस्टाग्राम के ऊपर स्टोरी अपलोड करूंगा, मैं चाहता हूं कि तुम लोग भी मुझे अपनी स्टोरीज में टैग करके बताओ कि भैया आज मेरा स्प्रिंट का डे 1 था और इस स्प्रिंट के डे 1 में मैंने आज ये चीजें की हैं। और ऐसा हम लोग 15 दिनों तक करते रहेंगे, ठीक है। ऐसा हम लोग 15 डेज तक करेंगे, 15 दिनों के एंड में तुम ये चैप्टर्स कंप्लीट करोगे, मैं ये बुक कंप्लीट करूंगा, ठीक है। और हम लोग ये रोज करेंगे, डेली बेसिस पर करेंगे। मुझे पता है कि तुम्हारे ऊपर चेक रखने वालों को रहता नहीं, मैं रखूंगा, यहां से यहां पर बैठ कर मैं तुम पर चेक रखूंगा, ठीक है। अब सही है। और अगर किसी के भी पेरेंट्स, अंकल आंटी, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि अगर ये गोल इन्होंने नहीं बनाया ना, तो प्लीज आप इनको बोल दीजिए कि ये गोल बना ले और एटलीस्ट 15 दिनों तक, बस 15 दिनों तक इसको फॉलो करें। बाकी मैं तुम्हारे साथ हूं ही, ठीक है। मैं हर रोज तुम्हारे लिए, अगर तुम बोलते हो भैया इंस्टाग्राम के ऊपर मैं नहीं हूं, अगर कुछ बच्चे नहीं हैं, तो मैं यूट्यूब पर भी रोज रात को ये पोस्ट डाला करूंगा कि आज मैंने 15 पेजेस कर लिए हैं, ठीक है। क्या तुमने अपना आज का गोल कंप्लीट किया है, क्या तुमने अपना आज का गोल पूरा किया, नहीं किया है तो करो और फिर ही सोना। थोड़ा सा खुद को, हमको कंफर्ट जोन से बाहर लाना पड़ेगा। अगर कंप्लीट नहीं किए हैं
अपने गोल को आज तो कंप्लीट करो भाई, कैसे भी करके कंप्लीट करना है अपने गोल को। 15 दिन के एंड में मैं भी कुछ नई चीजें सीख जाऊंगा और 15 दिन के एंड में तुम सोचो कि तुम्हारा सिलेबस कहां पर होगा, राइट। इसी के साथ मैं पढ़ले की ऐप पर रोज शाम को एक नोटिफिकेशन भी भेजूंगा, अगर तुमने डाउनलोड नहीं किया तो कर सकते हो, कि भाई आज का गोल क्या है, आज का गोल लिखा है फिर नहीं लिखा, 15 दिन बाद एग्जाम है, आज का गोल लिखा है फिर नहीं लिखा, ये नोटिफिकेशन रोज तुम्हारे पास में पढ़ले की ऐप से अगले 15 दिनों तक आता रहेगा, ठीक है। और तुम चाहते हो तो हम उसको और कंटिन्यू भी कर सकते हैं इस तरीके से। इस कदर हम अगले 15 दिनों में इतने आगे बढ़ जाएंगे अपने सिलेबस के साथ में कि शायद हमको रियलाइज भी नहीं हो पाएगा, और अगर हम यहां पर थे तो हम यहां पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब बहुत सारे लोग, पता है, मैंने जनरली देखा है आजकल हमारे चैनल के ऊपर स्पैमिंग चालू हो चुकी है, ठीक है। जब आप कुछ अच्छा करते हो ना तो बहुत सारी और ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे और लोग आकर आपको दबाने की कोशिश करते हैं, और ये होता है, ठीक है, ये जनरली होता है, और आपने अभी बीच में देखा भी होगा, बहुत चल रहा है इंटरनेट के ऊपर, यूट्यूब पर बहुत ऐसे उल्टे सीधे कमेंट आते रहते हैं, और एक साथ आते हैं। इनकी खासियत ये होती है कि एक साथ आते हैं, तो तुमने भी बहुत बार देखे होंगे, वो मैक्सिमम कोई और इंसान होता है, बच्चे नहीं होते, वो कोई और इंसान होता है। अब बहुत सारे लोग आके नीचे कमेंट करेंगे कि हाँ, अपना इंस्टाग्राम प्रमोट करने के लिए कर रहा है ये सब, इतनी ऐसी सोच है इनकी, ऐप प्रमोट करने के लिए कर रहा है। तो एक बात ध्यान से सुन लो, अगर मेरी किसी चीज को प्रमोट करने से मेरे बच्चों का फायदा होता है तो एक नहीं 100 बार करूंगा, रोक के दिखा देना, ठीक है। और मैं फिर से बोल रहा हूं, यहां पर बोल रहा हूं कि अगर किसी चीज को प्रमोट करने से, अगर कोई चीज बताने से मेरे बच्चों का फायदा होता है तो वो एक नहीं 1000 बार बताऊंगा, 10000 बार बताऊंगा, क्योंकि उससे मेरे बच्चों का फायदा होता है, ठीक है। अगर वो पढ़ नहीं पा रहे थे तो आज वो पढ़ पा रहे हैं, ठीक। यहां पर सिर्फ बोलने की बात नहीं है, बहुत सारे लोग आके बोल के चले जाते हैं कि ये कर ले हो जाएगा तेरा 95%, मेहनत करो बच्चे के साथ में तो माने ना। देखो बहुत सारे लोग एक कैटेगरी होती है कि यार मैं तुम्हें अपना छोटा भाई मानता हूं, मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन मानता हूं, और ये आजकल हर कोई मानने लग गया है, मतलब कुछ भी हर कोई मानने लग गया है। उसके लिए अंदर से एक फीलिंग चाहिए होती है, आंख में आंख डाल के बोलना आना चाहिए कि नहीं मैं लिटरली तुम्हारे लिए कर रहा हूं। एक एक बच्चे से मैं नीचे कमेंट करना चाहता हूं कि भैया 15 दिन का चैलेंज है, आपसे बेहतर करके दिखाएंगे। एक एक बच्चा नीचे कमेंट करके मुझे बताएगा कि भैया 15 दिन का चैलेंज एक्सेप्टेड है, अब देखते हैं कौन रोकता है, ठीक है। तो लाख कोशिशें होंगी तुमको रोकने की, समझ रहे हो मेरी बात। बहुत बार ऐसा डिस्ट्रैक्शन फील होगा, पर अगर उस डिस्ट्रैक्शन के ऊपर जीत गए ना, उस ऊपर वाले लेयर में बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, हमको वहां पहुंचना है। विद दैट बीइंग सेड, 15 दिन का चैलेंज शुरू होता है हमारा आज से। अगर आप चाहते हो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, ऐप डाउनलोड कर सकते हो, कि अब अगले 15 दिन हमारे हैं और कोई हमको रोक नहीं सकता। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के अंदर, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, 15 दिन अगले हमारे हैं, गुड बाय।